लड़की के साथ क्या हुआ है? लड़की को लोग मार के फेंकते हैं। ये कैसे आप कर सकते हैं? ये लड़के लोग सुराग निकाले और मैं बयान भी मतलब कि रिपोर्ट भी किया हूँ रिपोर्ट करने के बाद अभी हमको उसका पेपर भी मिला नहीं है। पुलिस लोग फिर ढिलाई कर रही है और उसके बाद जो कि कार्रवाई में लापरवाही कर रहे हैं और इसके लिए तत्काल जो कि हमारे कहने के मतलब पुलिस चल के बॉडी निकाले और उसकी छानबीन करें। पुलिस इसमें लापरवाही कर रही है। अच्छा, कितनी तारीख को लापता थी लड़की? 16 तारीख को वो लापता हुई, मतलब 16 तारीख को सुबह 15 को तो अगस्त 15 अगस्त था, 16 को लापता हुई बराबर। आपने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट तहरीर दी थी थाने में? हाँ दिए दिए सर। इसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई पुलिस द्वारा? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी आपने एप्लीकेशन दिया है? आज भी दिए सर। अभी तक आज किस मामले में दिए हैं? आज यही मामले में FIR किया हूँ। किस चीज़ का FIR? FIR करके हमारे मार को फेंक दिए हैं। अच्छा, आपको पूरा विश्वास है कि लड़की के लड़के वालों ने जो है लड़की के साथ कुछ गलत किया? हाँ, मार के फेंक दिए पूरा। के साथ क्या हुआ है? सर, हमारी बड़ी बहन थी पूनम यादव सर, उनका शादी 2017 में हुआ था आहन गांव में पोस्ट केला का सर। उनके घर वाले उनको बहुत सताते थे सर, उनको मतलब मारपीट करते थे और दहेज के मामले में कुछ उन लोग का मांग था 2 लाख और मेरे पापा ने 1 लाख रुपये और एक गाड़ी दिए थे, तो इसके लिए उन लोग उसको बहुत सताते थे और टॉर्चर करते थे दहेज के लिए। कुछ मांग भी करते थे, ये लाओ वो लाओ, तो मेरे पापा सब कुछ देते गए, जो जो मांगे वो सब कुछ उनको देते गए, सब कुछ उनकी पूरी ख्वाहिश मतलब करते गए पूरी कि ताकि मेरी बेटी खुश रहेगी, उन लोग भी खुश रहेंगे, इसके लिए सब कुछ ख्वाहिश मतलब पूरा करते गए। तो उन लोग कुछ दिन से इतना सता रहे थे, उसको टॉर्चर करते, उसको मार रहे थे, पीट रहे थे और मेरी दीदी मतलब हमारी बहन मेरे से कुछ हम लोग से नहीं बताई और उसको हम लोग एक फ़ोन दिए थे, वो फ़ोन उन लोग छीन लिए थे, मतलब बात भी नहीं करवाते थे। हम लोग एक हफ्ते में 10 दिन उन लोग फ़ोन करते थे कि दीदी से बात कराओ, तो उन लोग बात नहीं करवाते थे, बोलते थे कि हम लोग बाहर हैं, मार्केट में हैं, इधर आए उधर आए, कुछ बहाना करते थे, मगर हम लोग को मतलब बात ही नहीं करवाते थे। और मेरी दीदी 15 तारीख से लापता है, तो उन लोग उनके घर वाले 16 तारीख को सुबह 5 बजे फ़ोन किए हम लोग को, बोलते कि आपकी लड़की मेरे घर से मतलब गायब हो गई है, सामान वामान लेके भाग गई है, ऐसा उन लोगों ने इंजाम डाले। बट मुझे मालूम पड़ा अभी सब लोग उसी गांव वाले बोल रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि उन लोगों ने मार पीट के किधर मतलब फेंक दिए या फिर कुछ कर दिए, जला दिए, ऐसा सुनने में आ रहा है सर। और सर, फिर हमारे गांव वाले सब लोग, गांव के मेरे चाचा और सब लोग मतलब मेरे जो खास सब लोग पुलिस चौकी में इधर आए रिपोर्ट लिखाने के लिए, कोई रिपोर्ट भी नहीं ले रहा है, सब लोग 3 दिन से मतलब भगा दे रहे कि जाओ, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थोड़ा भी नहीं। और आपको क्या अंदेशा है पूनम यादव के बारे में? मतलब मेरे को अंदेशा ये मतलब मालूम पड़ा कि उनको मतलब मार के मतलब उन लोग जला दिए, फेंक दिए, कुछ भी कर दिए, ऐसा सुनने में आया है। और जो मेरी दीदी के जो ससुर थे ना, उनका नाम है अशोक, एडवोकेट है, वकील है, तो उन्होंने ना पूरा उनके घर पे बड़े मतलब पुलिस लोग सब लोग आते हैं, खाना पीना खा के जाते हैं, और उन्होंने पुलिस चौकी में ऐसा मेरे को डाउट हो रहा है कि उन्होंने पुलिस चौकी में मतलब पैसा भी दे दिए, इसके लिए पुलिस वालों ने उन लोग की मतलब सुनवाई कर रहे, हम लोग कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। मेरे गांव वाले सब लोग आ रहे हैं 3 दिन से पुलिस चौकी पर आ रहे, जो हमारे गांव का जो है मतलब इधर चौकी उधर आ रहे, सब लोग भगा दे रहे, बोल रहे आपके पास कोई सबूत नहीं है तो मैं रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, उन लोग भगा दे रहे। तो अभी आज मालूम पड़ा कि उन लोगों ने मार के मतलब फेंक दिए, तो आज मतलब रिपोर्ट ली। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष यादव है। आपकी बहन का क्या नाम है? मेरी बहन का नाम पूनम यादव है। थाना क्षेत्र में एक महिला को दहेज हत्या के लिए उसे नदी गोमती नदी में बहा दिया गया, क्या है पूरा मामला? ये घटना थाना किराकत की है, जहाँ पे जो तथाकथित मृतका है पूनम वाई पाप राजन, इनकी शादी हुई थी अहन में थाना किराकत में। इसका जो मायका है वो है जरासी चंद्रवक में। मायके के लोगों ने पुलिस को तहरीर दी कि इनकी बेटी को जो है मार करके इन्होंने नदी में फेंक दिया है। इस इनकी तहरीर पे विश्वास करते हुए पुलिस ने मुकदमा लिख लिया है और मृतका के शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कल से ही गोताखोर लगे हुए हैं और जो भी सफलता मिलती है गोताखोरों को उसके हिसाब से पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। क्या किसी की निशानदेही पे एक गोताखोरों को लगाया गया है कि कैसे? नहीं, जिन लोगों को देखने के संदेह पे लगाया गया था उसके हिसाब से इनको जो है ये प्रयास किया जा रहा है कि यदि तलाश करने पर शव मिल जाता है तब जो है उस हिसाब से 3-4 भी बनेगा, नहीं अगर सब मिलता है तो फिर बाकी साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे। ये भी संभव हो सकता है कि
क्या सत्यता है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। कितने घंटे से शव की तलाशी चल रही है? लगभग कल शाम से लगे हुए हैं,